बच्चों कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियोस में हमने एक पार्ट को पूरा किया था जिसका क्या नाम था, राजा बदल गया। कहानी बहुत रोचक थी ना, आपको मजा आया होगा बहुत। हाँ, तो आज हम उस पाठ के अभ्यास कार्य देखेंगे। तो सब लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। बच्चों अगला अभ्यास कार्य है भाषा की बात। इसके अंतर्गत हम व्याकरण को सीखते हैं। देखो, इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना को लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ऊपर दिए अनुच्छेदों में कुछ चिन्ह आए हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक चिन्ह आया है, यहाँ पर एक चिन्ह है और यहाँ पर एक चिन्ह है। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को विराम कहते हैं, अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं। बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो बोलते समय बीच में कभी कभी थोड़ा सा रुकते हैं। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। कहानी, लेख, निबंध आदि लिखते समय इस प्रकार से रुकने के स्थलों की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कहानी, कुछ लेख या निबंध, कुछ भी लिखते समय आवश्यकता के अनुसार वाक्यों की स्पष्टता या भाषा की स्पष्टता के लिए जहाँ जहाँ पर रुका जाता है उस रुकने की प्रक्रिया को ही विराम कहते हैं, और उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर विराम चिन्ह, देखो बच्चों विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना। किसी भाषा को बोलते समय वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, इस रुकने को ही विराम कहते हैं। किसी भाषा को बोलते पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट रूप करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का यह संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों देखा ना, विराम किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो बोलते समय आवश्यकता के अनुसार कुछ स्थलों पर हमें रुकना पड़ता है, और यह रुकना भी अलग अलग प्रकार होता है। कहीं पर हम बहुत देर के लिए रुकते हैं, तो कहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं, और कहीं पर थोड़े से कुछ थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। इस प्रकार अपने भाव को, अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझाने के लिए या बोलने के लिए जब हम बीच बीच में रुकते हैं, रुकने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों? विराम कहते हैं। और इस रुकने की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी भाषा में उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसके लिए आप एक यहाँ पर उदाहरण देखो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। यहाँ पर हमने किसी प्रकार का कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, तो इसे पढ़ने पर कुछ समझ में आ रहा है कि आपको? रोको मत जाने दो, तो इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अर्थ की स्पष्टता के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक देखो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा रुकेंगे। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्या है? कोई जा रहा है तो उसे रोको मत जाने दो कहने का हमें अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। इसी विराम का अगर हम अगले स्थान पर या दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। या ये वाक्य देखो, रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कोई जा रहा है तो उसे मत रोको, जाने दो कहने का अर्थ है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? उसे रोको
मत जाने दो बोल रहे हैं। और इस वाक्य में जब विराम चिन्ह मत के बाद लग रहा है तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, उसे मत रोको जाने दो कहने का अर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार इन विराम चिन्हों का भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इन विराम चिन्हों के द्वारा भाषा में या वाक्य में अर्थ बदलते हैं। तो भाषा में विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए। किसी भी भाषा को विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। बिना विराम चिन्ह का उपयोग किए हम लगातार बोलते जाएंगे तो उन वाक्यों का या उस भाषा का कोई अर्थ नहीं होगा। तो हिंदी में कुछ विराम चिन्ह है बच्चों, चलो देखेंगे। देखो बच्चों, विराम चिन्ह के प्रकार। पहला है पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ये खड़ी रेखा है। दूसरा है अर्थ विराम। तीसरा अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, कोष्टक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूर्वक विराम चिन्ह। तो बच्चों, इस प्रकार हमने भाषा की बात के अंतर्गत क्या देखा है, विराम चिन्ह को सीखा है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम का अर्थ क्या है और विराम चिन्हों का भाषा के अंतर्गत क्या महत्व है। इस प्रकार हमने क्या सीखा है, विराम चिन्ह को सीखा है। और तो बच्चों, अंतिम अभ्यास कार्य है परियोजना कार्य। अपनी मनपसंद कहानी कागज पर लिखकर दीवार पत्रिका पर चिपकाओ। इसका अर्थ है आपके मनपसंद कहानी कागज पर लिखकर दीवार पत्रिका यानी वॉल मैगजीन पर चिपकाओ। राजा बदल गया पाठ के अंतर्गत आए हुए सभी अभ्यास कार्यों के बारे में चर्चा किए हैं। तो आपको जो जो कार्य दिया गया है इसके अंतर्गत उसे आप सोचकर अपने शब्दों में लिखो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ और ये अभ्यास कार्य कैसे करना है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो सबको धन्यवाद।